कुमकुम भाग्या के आज के एपिसोड में सल्ला प्रेगी की फेवरेट डिश बना रही होती है। इतने में सल्ला को प्रज्ञा के याद आती है और वो दादी को कॉल करती है और दादी से कहती है कि मेरी प्रज्ञा से बात करवा दी। जिस वक्त दादी कहती है कि प्रज्ञा सो रही है और सल्ला दादी से रिक्वेस्ट करती है कि जब प्रज्ञा जाग जाए तो उसे कहें कि मुझे कॉल कर ले। दूसरी दासी दादी से कहती है कि आपने सल्ला को सच क्यों नहीं बताया कि उनकी बेटी गुम हो गई। जिस पर दादी कहती है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सल्ला को बताऊं कि उनकी बेटी गुम हो गई है। दूसरा अभी अपने रूम में आता है और काफ़ी टेंशन में होता है। वो उम्मीद करता है कि उसका मैसेज उसके फैंस तक पहुंच जाएगा, वो उसकी हेल्प करेंगे प्रज्ञा को ढूंढने में। इतने में वो काफ़ी सैड होता है और वो गिटार बजाते हुए प्रज्ञा को याद करता है। अभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में पूरा वहाँ आता है और वो अभी को रोता हुआ देखता है और अभी कहता है कि तुम टेंशन ना लो, प्रज्ञा मिल जाएगी। दूसरी तरफ आली और तनु कार में बैठे होते हैं और तनु काफ़ी टेंशन में होती है और कहती है कि अब मुन्नी गुम हो गई, अब हम क्या करेंगे। जिस पर आली तनु से कहती है कि तुम टेंशन ना लो, अभी देखो होता क्या है। इतने में तनु का फ़ोन बजता है और आलिया फ़ोन उठाती है, उसमें अभी का ट्वीट होता है। अभी ट्विटर पर ट्वीट करके अपने फैंस से रिक्वेस्ट करता है कि जो कोई भी उसकी वाइफ प्रज्ञा को ढूंढ कर लाएगा वो उसको 10 लाख रुपए देगा। जिस पर आलिया कहती है कि मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी। दूसरा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और अपने फैंस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करें प्रज्ञा को ढूंढने में। इतने में आलिया और तनु मुन्नी को लेकर आती हैं व्हील चेयर पर। जर्नलिस्ट अभी से पूछते हैं कि प्रज्ञा तो आपकी सिस्टर और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ है। जिस पर आलिया कहती है कि मैंने अभी का ट्वीट पढ़ा था जिस पर अभी ने बताया था कि प्रज्ञा गुम हो चुकी है और इतने में उसने प्रज्ञा को रोड पर देखा इसलिए वो उसे घर पर ले आई।